नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है आज के ताजा तरीन खबरों का। पुरी में आज निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, भक्तों को शामिल होने की नहीं है अनुमति। एलोपैथ विवाद मामले में योग गुरु रामदेव की याचिका पर आज हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में होंगे शामिल। बिहार के भागलपुर में 12 जुलाई से इंटरमीडिएट की कक्षा के लिए खुलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग ने जारी की गाइडलाइन। उत्तराखंड में भी आज से खुलेंगे कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल, नियमित रूप से आएंगे शिक्षक। पंजाब के सरकारी चिकित्सक आज से करेंगे 2 दिवसीय हड़ताल, गैर प्रैक्टिस भत्ता के मुद्दे पर राज्य सरकार की चुप्पी को लेकर देंगे धरना। 5 साल बाद एक बार फिर आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगाएंगे जनता दरबार, इस दौरान मुख्यमंत्री से लोग आमने सामने बैठकर अपनी समस्या और शिकायत करेंगे। बेहतर प्रदर्शन के लिए मुरादाबाद की जिला सहकारी बैंक को आज मिलेगा पुरस्कार। रामपुर जिला पंचायत अध्यक्ष ख्याली राम लोधी आज लेंगे अध्यक्ष पद की शपथ, इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी हो सकते हैं शामिल। कर्नाटक में लॉकडाउन के बाद आज फिर से अंतर्राज्यीय बस सेवा होगी शुरू, आपको बता दें कि इससे कर्नाटक से केरल जाने वाले यात्रियों को मिलेगी सुविधा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया बड़ा फैसला, सोमवार से सीएम आवास पर शुरू होगा जनता दरबार। भागलपुर से जेडीयू सांसद अजय मंडल के घर से कुख्यात कपिल की गिरफ्तारी पर विपक्ष हमलावर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अब सीएम अपनी उपलब्धि पर फूले नहीं समा रहे होंगे। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक महिला के घर से कैश, हीरे व सोने के गहने चोरी करने वाले 2 चोरों को मालवीय नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनसे 42,000 रुपए सोने की एक अंगूठी, हीरे की एक अंगूठी और एक सोने की चेन बरामद की गई है। लुधियाना में भाजपा नेता आरडी शर्मा बोले, अनिल जोशी को निकालने के फैसले पर पुनर्विचार करे पार्टी। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए कहा है कि हरियाणा में आज और कल हो सकती है झमाझम बारिश। केंद्रीय मंत्री सिंधिया से मिले उत्तराखंड के नए सीएम धामी, उत्तराखंड में हवाई सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर की चर्चा। झारखंड में आयुष्मान भारत योजना में सूचीबद्ध 200 अस्पतालों में इलाज किया गया बंद। नवा रायपुर सेक्टर 29 से लगे खड़खारी गांव में चल रहे अवैध बाल गृह के संचालक के खिलाफ दर्ज होगी FIR। 19 बच्चों को महिला एवं बाल विकास ने उनके स्वजनों तक भेजने की प्रक्रिया की शुरू। आरोपी संचालक नरेश महानंद बच्चों को 20 दिन पहले ही मध्य प्रदेश के मांडवा और बालाघाट से नवा रायपुर लाया था। मध्य प्रदेश के दमोह से एक चौंकाने वाली खबर आई है, जहां पति का सांवला रंग देखकर पत्नी ने ससुराल में रहने से इनकार कर दिया है। हिमाचल के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह को अंतिम विदाई देने पहुंचे हजारों चाहने वाले। लखनऊ में 2 संदिग्ध आतंकियों के पकड़े जाने के बाद प्रदेश के कई जिले में अलर्ट जारी। कोलकाता में STF ने जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के 3 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के IS अधिकारी को अदालती उल्लंघनों के आदेश करने के आरोप में किया गया गिरफ्तार। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान में अगर अच्छी नीयत से निवेश किया होता तो आज उसे जिस मायूसी का सामना करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़ता। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में CDO दिव्यांशु पटेल ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान एक TV पत्रकार को पीट दिया था। इसके बाद पत्रकार का फोन तोड़ते हुए CDO का वीडियो कैमरे में कैद हो गया था। बावजूद इसके पत्रकार कृष्णा तिवारी की तहरीर पर FIR अज्ञात लोगों के खिलाफ हुई है। ट्विटर ने भारत के लिए नियुक्त किया शिकायत अधिकारी, विनय प्रकाश संभालेंगे जिम्मेदारी। महाराष्ट्र मेट्रो ने मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर निकाली वैकेंसी, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। पुरानी खांसी से छुटकारा पाने के लिए रोजाना पिए काली मिर्च की चाय। PM मोदी ने महिला क्रिकेटर हरनील के कोच की जमकर तारीफ, बताया शानदार और अद्भुत। अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा और नोरा फतेही की फिल्म भूज द प्राइम ऑफ इंडिया का टीजर किया गया जारी, जिसे दर्शक कर रहे हैं काफी पसंद। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।